पूज्य सद्गुरुदेव गुरुदेव जी ने कहा, आलोचना और शिकायत न करें। एक आध्यात्मिक साधक दोष खोजने से बचता है और दूसरों के अच्छे गुणों की सराहना करने का प्रयास करता है। सच्चा साधक वह है जो दूसरों के गुणों को देखे, उनमें दोष न ढूंढे। दोष ढूंढने ही हैं तो अपने अंतर्मन में झांके, अपने अंदर के दोष दूर करके अच्छा इंसान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चों को भी परिवार से ही यह सीख मिलनी चाहिए कि वे आत्मावलोकन करने की आदत डालें, अपनी बुद्धिमत्ता की परख स्वयं करना सीखें, भावना के स्तर पर चीजों को अनुभूत करें। अच्छी भावना के साथ किए जाने वाले कार्यों का परिणाम भी अनुकूल निकलता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज से ही सीखता है। जैसे समाज में रहेगा उसका आचरण उसी के अनुरूप होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, अर्थात गुरुवान बनने के लिए अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। लोग आत्मावलोकन नहीं करते बल्कि दूसरों के दोष गिनाने लगते हैं। परिवार के बड़े लोग जब ऐसा करते हैं तो उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चों को शुरू से ही यह सिखाना चाहिए कि वह दूसरों के दोष न देखे बल्कि उनके गुणों को देखकर आत्मसात करने का प्रयत्न करें। प्रायः लोगों को दूसरों के दोष तो दिखाई देते हैं लेकिन उनके गुण नहीं, यह प्रवृत्ति उचित नहीं। वास्तव में दूसरों के गुणों को देखकर ही हम अपने अंदर के दोष को दूर कर सकते हैं। सभी महापुरुष, समाज सुधारक, संत महात्मा आदि ने यही उपदेश दिया है कि हमेशा दूसरों के गुण देखकर और सुनकर गुणवान बनो। इसलिए अपना आंतरिक अवलोकन करके अंतःकरण से दोष निकालकर गुणग्राही बनना चाहिए। ऐसा करके ही समाज उत्थान में अपनी सही भूमिका निभा सकते हैं।